5 लाख लोगों को 10 लाख लोगों को अगर नौकरी मिल जाए तो अभी हम विड्रॉ करके हम सुख नहीं करेंगे काम, इनका मान लेते हैं इनको नेता आज से आपके सामने कह रहे मंच से। जन सुराज अभियान के तहत समस्तीपुर पहुंचे प्रशांत किशोर ने नई नवेली महागठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा है। 10 लाख नौकरियों के मुद्दे पर बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर ये सरकार 1-2 साल में अगर 5-10 लाख नौकरियां दे देती है तो मैं इनके समर्थन में अपना अभियान वापस ले लूंगा। उन्होंने कहा कि जो नियोजित शिक्षक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उन्हें तो समय पर तनख्वाह दे नहीं पा रही ये सरकार और नई नौकरियां कहां से दे पाएगी। प्रशांत किशोर ने कहा, अभी हमको आए हुए 3 महीने ही हुए हैं और बिहार की राजनीति में 180 डिग्री घूम गई। अगला विधानसभा चुनाव आते आते अभी कई बार बिहार की राजनीति घूमेगी। नीतीश कुमार फेविकॉल लगाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए हैं और बाकी की पार्टियां कभी इधर तो कभी उधर होती रहती है। जनता ने इस सरकार को वोट नहीं दिया था, ये सरकार जुगाड़ पर चल रही है, इसे जनता का विश्वास प्राप्त नहीं है। उन्होंने 2005 से 2010 के बीच एनडीए सरकार के काम की प्रशंसा भी की है। 5 लाख लोगों को 10 लाख लोगों को अगर नौकरी मिल जाए तो अभी हम विड्रॉ करके हम सुख नहीं करेंगे काम, इनका मान लेते हैं इनको नेता आज से आपके सामने कह रहे मंच से। 10 लाख सरकारी नौकरी अगर दे दें ये महागठबंधन की सरकार अगले 1 साल में 2 साल में, हम अभी विड्रॉ करते हैं उनके समर्थन में। बेवकूफ बना देंगे सीधा सीधा, कहां से लाइएगा नौकरी 10 लाख? जिसको है उसको तो पैसे नहीं दे पा रहे, नियोजित शिक्षक जो है वित्त विद्यालयों में जो लोग काम कर रहे हैं पूछे थे मेरा तनख्वाह नहीं मिला है और अब कह रहे हैं कि 20 लाख नौकरी दे दीजिएगा, कहां से दे दीजिएगा नौकरी? पब्लिक को बेवकूफ बनाने की बात है, अगर दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है। हम तो हमको पॉलिटिक्स करने से मतलब नहीं है, अगर वो दे देते हैं तो हमसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। दे तुरंत 20 लाख लोगों को नौकरी दे दें बहुत बढ़िया बात है, 3 साल आपको मौका मिल गया, अब तो महागठबंधन बन गया। और आप कह रहे थे क्या गणित लगाइएगा, आप आए हुए 3 महीना में हुआ और देख रहे उथल पुथल पूरा 180 डिग्री घूम गया, घुमा ना आपको अभी क्या मालूम है कि इसके बाद फिर कैसे घूमेगा, तो घूमने दीजिए। अगला चुनाव आते आते अभी कई बार घूमेगा, इतना आपको कह के जाते हैं। हम यहाँ रणनीतिकार नहीं है, लेकिन अगर उस हैट को लगाकर उस टोपी को लगाकर बोलना हो तो आपको ये प्रेडिक्शन किए दिए जाते हैं, भविष्यवाणी किए दिए जाते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले अभी कई राउंड आप ऐसे घूमिएगा, आप देखते जाइए कल, क्योंकि जनता का उसको सहयोग ही नहीं है, जनता ने वोट ही नहीं किया है इस नाम पर। कोई व्यवस्था महाराष्ट्र में आप कोई व्यवस्था बनाकर सरकार बनाने चला, यहाँ बनानी है तो चलेगा नहीं चलेगा? यही एनडीए की सरकार है 2005 में खूब अच्छा काम करके दिखाया, जनता ने उसको वोट दिया था। जिसको जनता ने वोट ही नहीं दिया है आपको जुगाड़ लगाकर सरकार बना लीजिएगा तो उसमें वो विश्वास ही कभी नहीं आएगा। जीत कराए हैं किसी दूसरे नाम पर, चला रहे हैं किसी दूसरे नाम पर, अगला चुनाव लड़िएगा किसी तीसरे नाम पर, जनता सड़क पगलाई हुई कई जाएगा आदमी कहाँ अगली बार। नीतीश जी फेविकॉल लगाकर बैठ गए, जिसको पलटना है पलटते रहिए, हम बैठे हुए बीच में फेविकॉल लगा के मुख्यमंत्री के तौर पर, बाकी जिसको घूमना है घूमते रहिए, है ना? नीतीश जी जिंदाबाद है और बाकी बिहार का दुर्दशा। हमने अपने इंटरव्यू में कहा कि पिछले 10 साल में यह 6वां प्रयास है, आप लोगों को ध्यान नहीं होगा 2000